हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते सब लोग अच्छे हैं। और जोस्ट है किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ये कोका फूल का डंठेल। तो कोका फूल जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है, जो इसका डंठेल जो है इसका। तो देखिए, ये सुबह सुबह खिल जाते हैं, मतलब रात होते ही ये खिल जाते हैं, और भर दिन ये बंद रहता है, ऐसा बंद रहता है। और इसका जो सब्जी बनता है बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखें, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और जिस तरीका से मैं बना रही हूँ, जरूर एक बार ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो इसको बिहार में कोका फूल से जानते हैं, यूपी में इसको गुजरिया का नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसको वाटर लिली बोलते हैं। वाटर लिली है ये। तो ध्यान से देखें, ये पानी में ही होते हैं। तो चलिए पहले इसको छील लेते हैं। तो आप किस साइड में रहते हैं और इसका क्या क्या नाम से जानते हैं, जरूर कमेंट्स में बताएं। और इससे आज हम ये पानी में होते हैं, तो किसी से मंगवाए हैं। आज इसका हम बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो देखें, आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए, पहले हम जो इसका स्किन है, ये जो स्किन होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फाड़ दे के ऐसे तोड़ देंगे। इसका ऊपर का स्किन जो है सारे निकाल जाएंगे इस टाइप से। तो पहले हम कोका का जो फूल है, फूल का जो डंठल है, यही खाया जाता है। और जिसका फूल है, जो ये जो नीचे का जो स्किन जिन सब निकाल जा रहा है, ये कोई काम का नहीं है, ये नहीं खा सकते। इसका भी जो फूल का जो ये है, ये जो फूल है, इसका भी फ्रेंड्स पकौड़ी बनते हैं, जिसे बेसन में डुबा के इसका पकौड़ी भी बनते हैं, वो भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अलग अलग साइड में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं और अलग अलग तरीक़ा से इसको खाते हैं। तो पहले इसको हम छील लेते हैं। तो सारे को हम छील लिए हैं फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको साइड कर देते हैं। और ये जो हम छीले हैं कोका का फूल, इसको हम थोड़ा सा धो लेते हैं, लेकिन धोते टाइम पे ध्यान रखना है इसके जो अंदर, ये देखिए पाइप की तरह होते हैं पानी, लेकिन भर जाते हैं अंदर में। तो इसको जहाँ तक हो ऐसे ऐसे करके झाड़ झाड़ के पूरा इसका पानी निकाल देना है। आप चाहे तो धोए, ना चाहे मतलब अगर ना चाहे तो ना धोए, ऐसे भी आप बना सकते हैं। पहले जब ये कोका का फूल जो है, पहले छीलने से पहले अच्छे से आप धो ले, उसके बाद ही इसको छीले। और धोने के बाद होगा क्या, इसके अंदर पानी भर जाता है। तो अच्छे से जो है पानी आपको झाड़ झाड़ के इसका निकाल देना है। तो पहले हम धो लेते हैं। और फ्रेंड्स, धो लिए हैं ये कोका का फूल का जो डंठल है, अब इसको हम कट लगा देंगे। तो छुरिया ले लिए हैं एक, अब इसको कट लगा देते हैं। थोड़े लंबे लंबे रखेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए रेडी है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम कुछ मसाला लिए हैं, देख सकते हैं, 5-6 लहसुन का कली, एक टुकड़ा अदरक है 1 इंच होगा, और यहाँ पे हरी मिर्चा ले लिए हैं, 5-6 हरी मिर्चा ले लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मिर्चा होगा, चटपटा होगा तो खाने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो नॉर्मल चम्मच है, जो हम लोग खाना खाते हैं, तो उस चम्मच का हम 2 चम्मच यहाँ पे पीली वाली सरसों ले लिए हैं। तो ये सारे का एक साथ हम महीन एक पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पहले पेस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं, उसमें हम 1/2 चम्मच काली वाली सरसों दे रही हूँ फोड़ंग में। अब जैसे हमारा सरसों फट गए, वैसे हम एक प्याज काट के रखे हैं, थोड़ा बारीक बारीक काटे हैं। तो एक प्याज दे रही हूँ मैं, मीडियम साइज का प्याज है। तो प्याज को जो है हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन होने लगा। अब
हम जो मसाला को पीसे थे इसमें तोरी है, मतलब सरसों है, हरी मिर्चा, फिर अदरक लहसुन जो पेस्ट बनाए हैं वो पेस्ट दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप अगर कभी आप बनाएं तो इसमें हरी मिर्चा ही दें। और ये शहर में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन गांव में जो लोग रहते हैं उनको अच्छे से पता है कि ये कहाँ पे होते हैं और कब होते हैं। ये होते हैं फ्रेंड्स बरसात के मौसम में होते हैं, अगस्त सितंबर में होते हैं, ये नवंबर तक ये मिलते हैं, जुलाई से ये चालू हो जाता है मिलना, जैसे बरसात होता है उसके बाद से ये मिलना चालू हो जाता है। जुलाई का जुलाई 20 जो 15 जुलाई के बाद से ये होने लगता है और नवंबर तक ये लगभग रह जाता है। तो कुछ सेकंड तक हम चलाए हैं। अब इसमें हम एक टमाटर का जो है हम प्यूरी बनाए हैं, मतलब टमाटर को हम पीस के प्यूरी बनाए हैं वो दे देंगे। स्वाद अनुसार नमक दे देंगे, आधा चम्मच हल्दी, इसमें ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं देना है। मैं जिस तरीक़े से बना रही हूँ सेम इसी तरीक़े से बनाइए, आप सबको बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड्स ये जो है एकदम मतलब देखने में इतना सारा लग रहा है लेकिन ये बहुत थोड़े से हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से नमक को आपको देना है, ज़्यादा नमक नहीं देना है नहीं तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाएंगे। अब मसाला को जो है अच्छे से हम थोड़ा भून लेते हैं जब तक कि इसमें से ऑयल बाहर नहीं आ जाते। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब जो है ये कोका का फूल का जो डंठल है वो हम साफ दे देंगे, ये एक दो रहेगी ऐसे ही दे देते हैं तोड़ के। अब अच्छे से जो है चला देंगे। इसमें फ्रेंड्स पानी नहीं देना है, पानी ऑलरेडी इसमें जो छोड़ने लगेगा तो पानी हमें नहीं देना है इसमें। अब हमें इसको फुल फ्लेम करके एकदम चलाते रहना है, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएंगे, खाने में स्वादिष्ट नहीं बनेगी। और पानी इसमें से काफ़ी ज़्यादा छोड़ देगा, देखिएगा अभी पानी इसमें से छोड़ने लगेगा, तो हमें चलाते रहना है, मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बहुत जल्दी झटपट ये बनने वाली सब्जी है, तो कुछ देर बाद फिर हम इनका पोजीशन दिखाते हैं सब्जी का। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम 2-3 मिनट चलाए हैं, चलाते चलाते मेरा सब्जी लगभग बनने वाली है और ये कितनी कम हो गए हैं देख सकते हैं, पानी इसमें हम बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये जो कोका का फूल का जो डंठल है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और ये हमारा सब्जी लगभग रेडी है, तो 1-1.5 मिनट हम और चलाएंगे इस टाइप से, इसको ढकना नहीं है नहीं तो ये पूरा पिघलने लगेगा और पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ देगी, तो हमें चलाते रहना है ताकि ये नीचे जले भी ना और पानी भी बहुत ज़्यादा एक साथ में इकट्ठा ना हो, और फ्लेम को फुल रखना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा सब्जी रेडी है, सिर्फ 5 मिनट में ये सब्जी तैयार होकर रेडी हो चुकी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगते हैं, आप चाहे तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। तो मेरा रेसिपी आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब लोग स्वस्थ रहे, बाय।